नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भारत में एम्फीबियंस की जो प्रजातियां संकट में हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, उन प्रजातियों के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि हमने मछलियों के ऊपर भी वीडियो बनाया है जो संकटग्रस्त मछलियाँ हैं, तो आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं। उम्मीद है कि आपको जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस कड़ी में पहला जो जीव है वो है घड़ियाल। घड़ियाल जिसको गैवियल के नाम से भी जाना जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम है गैवियल्स गैंगेटिकस। और ये फिश ईटिंग क्रोकोडाइल है जो कि गैवलिडी फैमिली से बिलोंग करता है। ये उत्तर भारत का मूल वासी है, यानी इसकी उत्पत्ति उत्तर भारत में ही हुई है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में हुई है। और एक समय था जब घड़ियाल भारत के मेजर रिवर सिस्टम्स में पाए जाते थे, इरावदी नदी से लेके सिंधु नदी तक ये पाए जाते थे। लेकिन फिलहाल इनकी संख्या 2% से भी कम रह गई है। घड़ियाल जो है वो मुख्य 3 मगरमच्छों में से एक है जो कि भारत के मूलवासी हैं, जिनमें मगर क्रोकोडाइल और साल्ट वाटर क्रोकोडाइल भी शामिल है। इसकी विलुप्ति का मुख्य कारण है गिलनेट्स, जो कि मछलियों को पकड़ने के लिए यूज किए जाते हैं, और साथ ही इनके जो प्रोटेक्टेड एरिया हैं वहाँ मानव द्वारा जो दखल दी जाती है उससे, साथ ही बांध बनने से, नहरें बनने से और आर्टिफिशियल जो निर्माण हुए हैं उनसे, साथ ही चंबल नदी में बालू के खनन से भी ये प्रभावित हुए हैं। फिलहाल इनको चंबल सेंचुरी उत्तर प्रदेश, घड़ियाल ब्रीडिंग सेंटर जो कि नेपाल के चितवन नेशनल पार्क में है वहाँ इनको संरक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा मद्रास क्रोकोडाइल बैंक ट्रस्ट, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, जवाहरलाल नेहरू बायोलॉजिकल पार्क जो कि बोकारो स्टील सिटी में है, बनरघट्टा जू जो कि बेंगलोर में है, जूनागढ़ जू और चत्तवीर जू में इनको रखा जा रहा है। साथ ही बायोलॉजिकल पार्क ईटानगर में भी इनको संरक्षण दिया जा रहा है। कुकरेल रिजर्व जो कि लखनऊ के निकट है वहां भी घड़ियालों को संरक्षण दिया जा रहा है। अगला जो जीव है वो है नॉर्दर्न रिवर टेरापी। ये कछुआ उत्तर भारत की नदियों में पाया जाता है, साथ ही एशिया का ताजे पानी का सबसे बड़ा कछुआ है जो कि 18 किलो वजन तक हो सकता है। इसकी दो प्रजातियां मुख्यतः हैं, जिनमें है बीबी बस्का जो कि ग्रे कलर का होता है, 1831 में इसकी खोज हुई थी, और बीबी रेनोजेनेसिस 1979 में इसकी खोज हुई थी। ये जो है वो ओमनिवोरस है, यानी सर्वाहारी है, जो कि वाटर स्लाइड प्लांट्स लेके छोटे छोटे जीवों को भी खाता है। वर्तमान में ये प्रजाति बांग्लादेश में पाई जाती है, सुंदरबंस में, कंबोडिया में, इंडिया में जिसमें पश्चिम बंगाल और उड़ीसा शामिल है, इंडोनेशिया और मलेशिया में। यह म्यांमार, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम में भी बहुत कम संख्या में पाए जाते हैं। यह मूल रूप से जलीय जीव है लेकिन ये धरती पर भी रह सकता। इस प्रजाति को IUCN द्वारा क्रिटिकली एंडेंजर्ड श्रेणी में रखा गया है क्योंकि यह खाद्य के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। इनके संरक्षण के लिए एक हैचरी और कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोजेक्ट वावल नेशनल पार्क जो कि गाजीपुर बांग्लादेश में स्थित है, साथ ही सजनेखली फॉरेस्ट स्टेशन जो कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व में स्थित है वहां स्थापित किया गया है। अगला जो जीव है जो कि संरक्षण वाले जीवों की सूची में है वो है हॉकविल सी टर्टल। हॉकविल सी टर्टल जो है जिसका वैज्ञानिक नाम है एरेटमो किलस एम्बरकाटा, ये किलोनाइडी फैमिली से बिलोंग करता है और ये इस वंश की एकमात्र जाति है जो कि जीवित है। इसका वितरण अटलांटिक और इंडो पैसिफिक सब उपजातियों के रूप में भी होता है जो होती हैं एम्बरकाटा और एम्बरबेसा। जो व्यस्त हॉकविल सी टर्टल्स होते हैं वो ट्रॉपिकल कोरल रीफ्स के एरिया में पाए जाते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा माइग्रेटरी प्रजाति है, एक जगह से दूसरी जगह जाती रहती है, इसलिए कई सारे इनके निवास स्थान होते हैं जो कि ओपन ओशन से लेके लैगून्स तक और मैनग्रोव स्वैम्प्स जो होते हैं दलदल वहां भी ये पाए जाते हैं। इनका उपयोग होता है, इनकी जो शेल होती है, इनका जो कवर होता है उसको डेकोरेशन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, वही इनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। साथ ही पर्सनल इम्प्लीमेंट्स जैसे आई ग्लासेस फ्रेम्स और शेमिसेन जो कि जापानी ट्रेडिशनल 3-स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसके लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है और ये इसी कारण से लुप्त होने के कगार पर हैं। इसी कैटेगरी का जो चौथा जीव है वो है आसाम रूफ्ड टर्टल। ये जो आसाम रूफ्ड टर्टल है इसका वैज्ञानिक नाम है पेंगसुरा सिल्थेंसिस, जिसको सिलेट रूफ्ड टर्टल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि गीमाइडिडी फैमिली से बिलोंग करता है और ये ब्रह्मपुत्र मेघना के अपवाह क्षेत्र में
आसाम में और बांग्लादेश के पूर्वी भाग में पाया जाता है। इसको पहले बाटागुर और उसके बाद डिफंक्ट जीनस कचुगा में रखा जाता था, लेकिन अब इसका खुद का एक अलग जीनस है जो कि पैंग शुरा है। ये उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व बांग्लादेश और साथ ही आसाम में और संभवतः भूटान में भी ये प्रजाति मिलती है। यह जमीन पर और फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में रह सकता है। आसाम रूफ्ड टर्टल एक रेयर प्रजाति है क्योंकि यह इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है बहुत संकीर्ण है, बहुत ही कम क्षेत्र में पाया जाता है और इसको मीट और अंडे के लिए इसको मारा जाता है। इसी कारण ये IUCN की एंडेंजर्ड स्पीसीज के रूप में चिन्हित है। और इसी श्रेणी का जो अंतिम हमारा जीव है ओबेचा श्रेणी में वो है लेदर बैक सी टर्टल। यह दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ है जिसको ल्यूट टर्टल या लेदरी टर्टल या लत के नाम से जाना जाता है। और साथ ही ये डर्मोकेलिस जीनस जो इसका वंश है और इसकी फैमिली डर्मोकेलेडी का एकमात्र जीवित प्राणी है। इसको दूसरे सी टर्टल से बिल्कुल आसानी से अलग किया जाता है क्योंकि इसकी पीठ पर एक बॉनी शेल होती है जिसके आधार पर इसका नाम पड़ा। लेदरबैक टर्टल्स को सिर्फ सामान्यतः तभी खतरा होता है जब ये छोटे होते हैं, क्योंकि बड़े हो जाते हैं तो इनका आकार इतना बड़ा होता है कि सामान्यतः कोई जीव इन पर हमला नहीं करता है, लेकिन जब छोटे होते हैं तब सामान्यतः मछलियों द्वारा और सोरबर्ड्स द्वारा इनको खाया जाता है। इनको मानव से वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जाल में फंसने से या फिर प्रदूषण की वजह से इनका नुकसान ज्यादा हो रहा है, क्योंकि मांस के लिए इनका उपयोग नहीं होता क्योंकि इनमें बहुत सारा ऑयल और फैट होता है, इसलिए खाने के योग्य सामान्यतया नहीं होते, लेकिन फिर भी मनुष्य द्वारा इनका शिकार किया जाता है समय समय पर और ये इनके लिए घातक है। पिछले कुछ समय में बहुत सारे लेदरबैक सी टर्टल्स की मृत्यु हुई क्योंकि इनके जो आते हैं उनमें बैलून्स और प्लास्टिक बैग्स फंसे हुए पाए गए। साथ ही केमिकल पॉल्यूशन का भी इनके ऊपर बहुत ज्यादा बुरा असर पड़ा है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी मिली हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलेगी आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, वीकली करंट अफेयर्स जो कि सप्ताह के सामान्य ज्ञान होता है वो हम आपको बताते हैं साथ ही, तो जुड़े रहिए हमारे साथ जहाँ मिलती है सही जानकारी बिल्कुल सरल भाषा में। धन्यवाद।